हेलो फ्रेंड्स, कैंडी किचन में आज आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चावल और दाल का डोसा। चावल और दाल का डोसा बनाने के लिए हमने यहाँ पर चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इन्हें एक मिक्सी के जार में डाल देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे और अब इनका हम पेस्ट बना लेंगे। हमारा पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। और इसमें हम आधा चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे से घोल देंगे। बैटर हमारा काफी स्मूथ बन चुका है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे और डोसा बनाने के लिए एक तवा लिया है, उस पर हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। अब हम इस पर पानी के छींटे मारेंगे और एक कपड़े से पोंछ देंगे। अब हम इस पर अपना बैटर फैला देंगे। और इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ये चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से पलट देंगे और दूसरी साइड से सिकने देंगे। हमारा डोसा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में बाहर निकाल देंगे और इसी तरह से हम इस पर और बैटर फैला देंगे और अपने सारे डोसे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। हमारे डोसा बनकर के बिल्कुल तैयार हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बने हुए हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सबसे ज़्यादा बच्चों को बहुत अधिक पसंद आते हैं। तो आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।